तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है, उस चीज को ध्यान रखना। एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं, हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। एमबीए चायवाला ने उनके साथ फ्रॉड किया, दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। उन्होंने गलत सेल का वादा किया, हमें जो 22 सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। इन दोनों ने उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-30 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। भाई मैं इतना हंस क्यों रहा हूँ बताता हूँ। मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और किस वजह से चल रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये खत्म कहाँ पे जाके हो, तो बताएंगे। सबसे पहले भैया हेडफोन पहन लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे कि भाई देखो यार आजकल क्या हो रहा है कि सब अपना डिग्री चिपका चिपका के यहाँ पर चाय बेच रहे हैं, तो कोई पानी पूरी बेच रहा है, तो कोई समोसा बेच रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई चावल बेच रहा है, कोई राइस बेच रहा है, कोई फ्राइड राइस बेच रहा है, कोई मोमोस बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है। डिग्री चिपका चिपका पहले डिग्री लगाते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसका नाम लगाते हैं, फिर उसके बाद वाला वाली याली लगा के बेचना शुरू कर दे रहे हैं। और जैसे उनका एक हाइव बन जाता है ना सोशल मीडिया में, एक अच्छा खासा फेमस मिल जाता है, फेम मिल जाता है, तो उस लोग अपना फ्रेंचाइज लॉन्च कर देते हैं। समझ रहे हो ना? अब फ्रेंचाइज लॉन्च करने का फायदा क्या होता है और जो लेते हैं फ्रेंचाइज उन लोगों को फायदा क्या होता है या फिर नहीं होता है, और होता भी है या नहीं, तो सबसे पहले खोलेंगे जिसने इस चीज के ऊपर शुरुआत किया था। नहीं, शुरुआत तो इसी ने ही किया था, पर पता है ना एमबीए चाय वाले ने किया था। एमबीए चाय वाला, चलो एमबीए चाय वाले को खोल लेते हैं। आजकल एमबीए चाय वाला का तो कुछ रोस्टिंग कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, स्कैम निकल के आ गया। पिछला साल जब हम देख रहे थे ना सोशल मीडिया में कि एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला, मैं भी सोच रहा था कि ये भाई एमबीए करने के बाद चाय बेच रहा है। बाद में पता चला यार ये एमबीए उमबीए कुछ किया नहीं है, बस इसको एमबीए करने का दिल था, पर कर नहीं पाया तो एमबीए कॉलेज के सामने में चाय बेचने लग गया। लेकिन एक चीज है, इस बंदे का एक चीज है, मोटिवेशन गजब का देता है, कमाल कमाल के तरीके का देता है। देखे होंगे ना ये सब सीखा किससे, उंगली नहीं उठा रहे बस बोल रहे एमबीए चाय वाला, इसका स्कैम निकल के आ गया। ऐसा है कि इसने फ्रेंचाइज बेचा, लेकिन फ्रेंचाइज बेचने के बाद जो रहता है एक फ्रेंचाइजर जो बेच रहा है उसका एक जिम्मेदारी बनता है कि जहां जहां वो फ्रेंचाइज बेचा है वहां के बंदों का प्रॉफिट आना चाहिए। इस बंदे ने क्या बोला, फ्रेंचाइज देने के बाद अभी जो केस कर रहे हैं तो सामने से बोल रहे हैं कि भाई हम तो फ्रेंचाइज देते हैं लेकिन हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि प्रॉफिट होगा ही, मतलब हम गारंटी नहीं दे सकते कि प्रॉफिट होगा भाई। तो बंदा एक चीज को समझो, फ्रेंचाइज देना देना तो भाई कोई भी दे सकता है। आज उठ के बोलेगा भाई मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी वाला, हाँ मैं पानी बेचता हूँ, मैं पानी वाला, इसके सामने लगा दूंगा मैं एमबीए पानी वाला या फिर बीटेक पानी वाला, ऐसे लगा के बेचना शुरू कर दूंगा। समझो यार इस चीज को। अब कुछ लोग जो है इस चीज को समझ नहीं पाते, जिस वजह से फंस जाते हैं ऐसे झांसे में और सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा जो है हाइप बना के रख देते हैं और पूरा प्रमोशन चलता है, लेकिन लगता है यार करोड़पति बन गया यार ये तो बेच बेच के, यार वो चाय बेचने से करोड़पति नहीं बचा है, वो फ्रेंचाइज बेच बेच के करोड़पति बना है। अब एक फ्रेंचाइज लेने का कितना लाख है, 12-13 लाख है, और स्टोर बनाने का 30-35 लाख है। आप हिसाब कर लो, चार बंदे लोग जो है, मतलब सिर्फ चार लोगों को बेवकूफ बनाना है, चार बेवकूफ मिल गए तो वो करोड़पति तो बन ही जाएगा ना, चार बेवकूफ से करोड़पति कोई भी बन जाता है। तो ऐसे ही है भाई, समझने के ऊपर है कि अगर समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो फिर 30-35 लाख गंवाने के बाद समझ में आएगा कि आप दिन का सिर्फ 600-700 का ही प्रॉफिट कमा सकते हो, उससे आगे का नहीं। लेकिन अक्षय चौधरी ने भी छोड़ा नहीं भाई, उसने सही चीज बोला यार, ये डिग्री या ग्रेजुएशन ये सारा डिग्री को दिखाने के बाद चाय ही बेचना था, पकौड़ी ही बेचना था या फिर पानीपुरी ही बेचना था, तो बेफालतू का 4-5 लाख खर्चा करके डिग्री करने का क्या जरूरत था। 10th पास करने के बाद भी ये सब कर सकते थे, ये सब करने के बाद आगे डिग्री लगाना जरूरी था ना भाई, प्रफुल्ल से सीख लो, उसने तो एमबीए किया नहीं, बस उसने सोचा कि मुझे एमबीए करना है, एमबीए लगा दिया, एमबीए चाय वाला हो गया। इस लोग एक चीज है, कुछ बेचता या बेचता नहीं है मुझे नहीं पता, चार लोग तो दिखाई देते हैं, जब भी वीडियो देखते हो 4-5 लोग ही वहां पर दिखाई देते हैं, प्रॉफिट क्या होता है या नहीं होता कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज है, ज्ञान फैलना तो भाई कभी खत्म नहीं होता, ज्ञान बहुत ज्यादा फैलता है।
हर कोई ज्ञान तुलते हैं। एमबीए चाय वाला ले लो, बीटेक पानीपुरी वाला ले लो, या फिर बीटेक चाय वाला ले लो, या फिर ग्रेजुएट चाय वाली ले लो, या फिर आईआईटी चाय वाला ले लो, या फिर ग्रेजुएट पुचका वाला ले लो, सबका सब ये जो बेचते हैं ना, ये लोग ज्ञान बहुत ज्यादा फैलते हैं, ये लोग के पास ज्ञान बहुत ज्यादा रहता है। हाँ भाई, इतना सारा इतना बड़ा बड़ा डिग्री जो लेके रखा है तो ज्ञान तो रहेगा ना, बीटेक किया है तो ज्ञान रहना चाहिए ना। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर ये सब बेचने कैसे होगा, आगे चल के फ्रेंचाइज भी तो बेचना है। जैसे एक हाइप बन जाएगा, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म आ जाएगा, बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे, तो एक फ्रेंचाइज बना के 10-15 लाख का फ्रेंचाइज खोलो और उसके बाद एससी भी करके 100 बंदे लोगों को चुतिया बनाओ, 10-15 लाख में से 100 बंदे लोगों को चुतिया बनाओ और उसके बाद करोड़पति बन जाओ और उसे आंटी कर लो भाई। उसके बाद बोलो हमने यहाँ पर गारंटी नहीं दिया था कि आपको प्रॉफिट ही होगा, समझ रहे हो ना। ये शुरुआत जो किया है ना भाई, बहुत गंदा वाला किया है। उसके बाद चाय को ऐसा प्रमोट किया है कि भाई एमबीए चाय वाला निकला, बीटेक चाय वाला निकला, ग्रेजुएट चाय वाला निकला, अनपढ़ चाय वाला निकला, कोई भी एक ग्रेजुएशन चुन लेता, कोई भी डिग्री, नर्सिंग, चलो नर्सिंग लोग नहीं आएंगे होंगे यार, मेडिकल फील्ड से भी कोई आएंगे क्या चाय बेचने, देख लेते ना, पूछ लेता हूँ गूगल से, नर्सिंग चाय वाला है क्या, नर्सिंग चाय वाली है भाई, नर्सिंग चाय वाला भाई, नर्सिंग चाय वाला भी है, नर्सिंग चाय वाली भी है भाई, मेडिकल फील्ड से भी आ रहे हैं भाई, एमबीबीएस चाय वाला है क्या, एमबीबीएस चाय वाला, ये नहीं रहना यार, नहीं तो फिर पूछेगा कि भाई लाखों का डिग्री करने के बाद अगर चाय बिक्री करने के लिए क्या है भाई। लो भाई अब एमबीबीएस चाय वाला, क्या चल रहा है भाई दुनिया में, क्या चल रहा है, कुछ तो रोको भाई लोगों, बस करो। और कोई डिग्री है भाई कमेंट सेक्शन से बताना, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे हम, इसी तरह ही ढूंढेंगे कि और कितने कितने चाय वाले हैं। ये बहुत लंबे समय से है इसके पास, फिल्म स्टार जितने भी मतलब टीवी स्टार है उस लोग की कुछ कुछ लोग जो है आके चाय पिए हैं, इसके बारे में शायद आप लोगों को भी पता होगा, देखे होंगे इसको और मैं भी देखा हूँ। इसका स्टाइल बहुत अच्छा है, ये है जानते हैं ना, इसका स्टाइल बहुत अच्छा है, दिखा देते हैं डोली चाय वाला। तो गाइस चायों के जुड़े सिल्वर राइडर यानी कि हमारे बाबू भैया नागपुर के फेमस डोली की टपरी पे मीटअप रखे थे और ये सोच रहे थे कि वहाँ पर जाके उनकी फेमस चाय पी ही लेंगे, बस डोली की टपरी में इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई कि डोली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, वो भी एकदम निराला। ये देख लो आप यहाँ पे इनका जो, अब मैं एक ही चीज बात करना चाहता हूँ यार, ठीक है ये जो बंदा है अमीर हो सकता था, ये भी करोड़पति बन सकता था भाई, ये भी तो चाय बिक्री कर रहा है ना, क्यों नहीं बना, पॉइंट टू बी नोटेड मिला, और ये अब तक अमीर क्यों नहीं बना भाई, वजह क्या है, एमबीए चाय वाला करोड़पति बन गया, ये क्यों नहीं बना, सोचो कुछ भी आप करो पैसे ही पैसा होगा, फ्रेंचाइज बेचना है बस आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आई होप कि आपको पता चला होगा, और अगर नहीं पता चला तो लक्ष्य चौधरी का चैनल में वीडियो है, जाकर देख लेना, अच्छी तरह सबको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझना है तो फिर आपका भगवान ही मालिक, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो चार जन जाके वो फ्रेंचाइज खरीदते हैं ना, उन चुनिंदा लोगों में से है, अगर नहीं समझ में आया तो, समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात, आपका बेड़ा निकल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, तो चलिए मिलते हैं, गला सूख गया इतना देर बकवास करने के बाद। हाँ ये सारे चाय वाले बिगाड़ कर रख दिया यार किसी ने, किसने आप सभी को पता है, बिगाड़ कर रख दिया किसने, बिगाड़ा है किसने बिगाड़ा है तो सब जानते हैं भाई।